नमस्कार दोस्तों, मैं शुभेंदु सिन्हा, सिन्हा आर्टिकल्स में आपका फिर स्वागत करता हूं। आज हम जिस कमेंट पे काम करने वाले उसके मेरे भैया क्वेश्चन था, उन्हें 4 5-pin socket, 2 switch, 1 indicator और 1 fuse चाहिए था। उसके साथ उन्हें क्या चाहिए था, 1 switch से 2 socket का जो कनेक्शन वो इन्वर्टर से हो, 1 switch से 2 socket का जो कनेक्शन वो लाइन से हो, इंडिकेटर और फ्यूज का कनेक्शन साथ में जानना था। तो हम क्या करेंगे, इसे कनेक्शन देखेंगे कि इसका बोर्ड वायरिंग किस तरीके से करते हैं। तो इसमें पहले क्या होता था, कोई भी बोर्ड में हम 3 वायर लेके आते थे। पहला हम क्या लाते थे, पहला लाते थे हम फेज, ठीक है, दूसरा लाते थे हम न्यूट्रल, तीसरा लाते थे बॉडी अर्थिंग। पर हमको क्या करना है, चौथा वायर हमको इन्वर्टर का भी लाना है कि 1 switch से हमको ये 2 socket कनेक्शन इन्वर्टर से करना है। तो हम क्या करेंगे, चौथा वायर इन्वर्टर का लेके आएंगे और इसका बोर्ड वायरिंग करके देखेंगे कि इसका बोर्ड वायरिंग किस तरीके से होता है। तो हमारा जो फेज, ठीक है, जो फेज का करंट आएगा वो कहां आएगा, हमारा फ्यूज है। तो फ्यूज के ऊपर टर्मिनल हम क्या करेंगे, हम फेज का वायर को इन करा देंगे। जो फेज का वायर आएगा फ्यूज के ऊपर टर्मिनल में आएगा। अब फ्यूज से आउट करके कहां जाएगा, आउट करके हम कहां ले जाना, इंडिकेटर जो होता है इसको यूज करने के लिए हमको फेज और न्यूट्रल दोनों चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहां से जो फेज का वायर आउट कराएंगे इंडिकेटर में ले जाएंगे। इंडिकेटर से कहां करेंगे, 1 switch, ठीक है, दोनों स्विच में नहीं, क्योंकि हमको क्या करना, 1 switch से लाइन से चलाना है, ये स्विच से हमको इन्वर्टर के कनेक्शन से चलाना है। तो हम क्या करेंगे, जो 1 switch है वहां पर हम फेज का वायर को लेके चल जाएंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये स्विच से ये दोनों सॉकेट को ऑपरेट करना है, ये स्विच से ये दोनों सॉकेट ऑपरेट होगा, तो ये फेज का वायर से होगा। तो हम क्या करेंगे, ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से एक वायर यहां लेके चल जाएंगे, जहां पर एल लिखा हो, एक वायर हमारा एल यहां लिखा होगा सॉकेट में। तो हम क्या करेंगे, ये एक वायर यहां लाएंगे, तो ये स्विच से ही ये दोनों सॉकेट को ऑपरेट करना है ना हमको। तो हम क्या करेंगे, सेम यही से एक वायर लूप बना के हम यहां ले जाएंगे, क्योंकि अगर हम स्विच ऑन करें तो क्या हो, फेज का करंट जो है यहां भी आए और यहां भी आए साथ में, ऑफ करे तो हमारा यहां पर फेज का करंट रुक जाए, ठीक है। इसके साथ हम क्या करेंगे, इन्वर्टर का वायर लेके आएंगे। तो जो इन्वर्टर का वायर लेके आते हैं हम, ठीक है, इन्वर्टर का वायर का हमको नीड कहां पे, हमको ये स्विच में ये सॉकेट को ऑपरेट करना है सिर्फ। तो हम क्या करेंगे, ये स्विच का नीचे वाला टर्मिनल, ठीक है, ये स्विच का नीचे वाला टर्मिनल में हम इन्वर्टर का वायर को हम दे देंगे यहां पे, ठीक है। अब ये क्या है, फेज, इन्वर्टर भी तो हमारे एक तौर से फेज है, ठीक है, ये तो हमारा फेज है। अब हम क्या करना है, ये दोनों सॉकेट को ऑपरेट करना है। तो हम क्या करेंगे, ये स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल से एक वायर लेके जाएंगे यहां पर, जहां पे एल लिखा होगा, ठीक है, और एक वायर हम सेम यहां से लूप बना के ले जाएंगे यहां पे, जहां पे लिखा होगा। इस कनेक्शन में क्या होगा, जब इन्वर्टर में लाइन रहेगा, जैसे स्विच ऑन करेंगे तो जो फेज का करंट यहां भी पहुंच जाएगा और यहां भी पहुंच जाएगा, ठीक है। करना कुछ नहीं है, अगर हमको इन्वर्टर कनेक्शन यहां पे नहीं देना तो ये वायर हम नहीं लाएंगे, और फेज का एक वायर हम यहां से सेम लूप बना के यहां पर पहुंचा देना, बस इतना काम है, ठीक है। इसके साथ हमारा क्या बचा, न्यूट्रल का वायर। न्यूट्रल का नीड कहां पे, इंडिकेटर में है पहला, उसके साथ हमारा सॉकेट के चारों सॉकेट के टर्मिनल में चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक हमारा फेज के लिए, एक न्यूट्रल के लिए। तो हम क्या करेंगे, इन्वर्टर का वायर लेके आएंगे पहले इंडिकेटर में, इंडिकेटर से आउट करा के हम लेके आएंगे ये सॉकेट में, और यहां से आउट करा के ले जाएंगे ये सॉकेट में, फिर यहीं से लूप बना के हम ले जाएंगे यहां पे, और एक लूप बना के हम ले जाएंगे यहां पे, ठीक है। किसी भी तरीके से हम क्या किया, न्यूट्रल को हम यहां से लाए, यहां से आउट यहां पर लाए, फिर यहां से लाए, फिर यहां पर इन कराए, फिर यहां इन कराए, यहां इन कराए, और यहां इन कराए। तो क्या हो गया, चारों सॉकेट में हमारा न्यूट्रल पहुंच गया। अब हमारा क्या बचा, बस बॉडी अर्थिंग का वायर। तो बॉडी अर्थिंग का नीड कहां पे, हमारा चारों सॉकेट का ऊपर वाला टर्मिनल, ठीक है, ये जो टर्मिनल होता है वो हमारा बॉडी अर्थिंग के लिए होता है। तो हम क्या करेंगे, बॉडी अर्थिंग का वायर लेके आएंगे, और सॉकेट का एक टर्मिनल यहां पे, एक लूप बना के हम यहां ले जाएंगे, एक लूप बना के हम यहां ले जाएंगे, और एक लूप बना के हम यहां ले जाएंगे। तो क्या हो गया, ये बॉडी अर्थिंग का भी काम हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। सिंपल समझ के, फेज का वायर हमको लाना कहां पे, फ्यूज में, ठीक है। फ्यूज से कहां पे आएगा, इंडिकेटर और एक स्विच, दूसरा स्विच हमारा ये इन्वर्टर से चलेगा। अगर हमको इन्वर्टर से नहीं चलाने का रहता तो हम यहां से एक लूप बना के ले जा सकते थे, ठीक है। तुम क्या करते थे, कनेक्शन करेंगे। तो इससे पहले मैंने कुछ कनेक्शन कर दिया, जो हमारा फेज का काम है, ठीक है। फेज का हमारा क्या काम था, फ्यूज का, जो फेज का वायर हम कहां लाए, फ्यूज में, फ्यूज के ऊपर टर्मिनल में। तो हम क्या करते, फेज का वायर हमारा ये है, हम फ्यूज के ऊपर टर्मिनल में इसको इन कराते हैं, ठीक है। अब हमारा कहा हुआ डायग्राम के अनुसार, ये फ्यूज का वायर जो फेज है, ये यहां से इन किया, अब यहां से आउट किया, अब यहां से आउट करके कहां लेके हम इंडिकेटर में, यहां से आउट करके हम कहां लेके, देखिए इंडिकेटर में, इंडिकेटर से आउट करके कहां लेके, स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में, स्विच के ये नीचे टर्मिनल में, क्योंकि ये स्विच से ये दोनों सॉकेट को हम लाइन से चलाना है, ये स्विच से ये दोनों सॉकेट को हमको लाइन से चलाना था। तो हम क्या किया, ये स्विच के नीचे टर्मिनल में ले गए, और सेम यहां से एक वायर आउट कराए कहां पे, देखिए ये स्विच के ऊपर टर्मिनल से एक वायर आउट कराए, सॉकेट का एल टर्मिनल हमारा यहां पे, यहां पे, और सेम एक लूप बना के हम यहां ले गए, ठीक है। दूसरा हमारा क्या वायर आया, इन्वर्टर का। तो इन्वर्टर का वायर हम कहां लाएंगे, जो हमारा ये स्विच है, ठीक है, ये स्विच हमारा यहां पे, ठीक है। तो ये स्विच के नीचे टर्मिनल हम क्या करना है, इन्वर्टर का वायर डालना है। तुम क्या करते हैं, इन्वर्टर का जो वायर है उसमें हम कनेक्शन दे देते हैं,
इन्वर्टर का हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, इन्वर्टर का जो कनेक्शन डाले स्विच के नीचे ऊपर टर्मिनल से आउट किया एक बार, एल यहां पे पहुंचा और सेम यही लूप बना के हम यहां पे ले गए दोनों सॉकेट में। तो इसी डायग्राम से क्या किया, स्विच को ऊपर टर्मिनल से एक बार यहां ले गए और एक लूप बना के हम यहां ले गए, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, फेज काम कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हमारा क्या बचा, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल हम कहां लेके आए, न्यूट्रल लेके आए हम इंडिकेटर में। तो हमारे इंडिकेटर यहां पे, तो हम इंडिकेटर में दे देंगे। इसके साथ हमको क्या करना है, अब लूप बना के हमको चारों सॉकेट में ले जाना है। यहां से हमको लूप बना के एक सॉकेट यहां पे, यहां पे, यहां पे और यहां पे चारों में देना है। तो हम इसका लूप बना लेंगे और हम इसको लूप ही से हम चारों जगह इसको लेते जाएंगे। यहां ले गए, अब इसको हम फिर जितना भी सॉकेट है, ठीक है, हमारा सॉकेट का यहां पे हम यहां पे लेके आ गए। एक लूप बना के हम यहां जितना भी जगह न्यूट्रल का नीड है हम न्यूट्रल दे देंगे, ठीक है। बड़ा सिंपल सा कनेक्शन है, एक न्यूट्रल यहां पे है यहां पे दे देंगे, एक न्यूट्रल हमको यहां पे चाहिए हम यहां पे दे देंगे, ठीक है। अब हमारा क्या बचा, बस बॉडी अर्थिन, ठीक है। सिर्फ क्या बचा, बॉडी अर्थिन का काम। तो बॉडी अर्थिन को कहां चाहिए, सॉकेट के ये चारों में, ठीक है, एक दो तीन चार ये चारों में चाहिए। तुम क्या करते हैं, इस तरीके से लूप बनाते हो, ले जाएंगे यहां पे इन कराए, यहां से यहां ले गए, हम क्या करेंगे इसके बाद, इस बोर्ड को चेक करके देख लेंगे, ठीक है, कि हमारा जो कनेक्शन है वो सही हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये हमारा बोर्ड का जो वायरिंग है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। जिस हिसाब से डायग्राम में था सेम उसी तरीके से था, ठीक है। ये हमारा बोर्ड कंप्लीट, हम क्या करते हैं इस बोर्ड को चेक करके देख लेंगे कि जो हमारा कनेक्शन है वो सही हुआ है कि नहीं हुआ है। तो हम इसे कनेक्शन देते हैं बगल वाले बोर्ड में, ये इंडिकेटर हमारा ग्लो कर गया, मतलब हमारा कनेक्शन सही है। हम क्या करते हैं जो हमारा स्विच है, ठीक है, चेक करके देख लेंगे। ये हमारा जल रहा, मतलब ये कनेक्शन अभी हमारा सही है, तो बाकी सब भी सही होगा, ठीक है। ये हमारे इन्वर्टर से, इन्वर्टर का भी कनेक्शन मैंने चालू रखा है, तो ये हमारा यहां से भी चालू रहेगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सपोज हमारा लाइन कट गया, तो हम क्या करते हैं फ्यूज से हम लाइन काट देते हैं। ये हमारा लाइन कट गया, हमारा इंडिकेटर बंद हो गया, अब हम ये सॉकेट यूज करेंगे तो नहीं चलेगा, ठीक है। बल्कि ये हमारा जो इन्वर्टर कनेक्शन है इसको हम चालू रख सकते हैं, ठीक है। देखिए ये हमारा जल रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से इसका कनेक्शन आप कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।